हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ MANW के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। तो आपको उसमें टाइप करना है MANW 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको MANW से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो PG कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो चुका है, एंड ये फाउंड हुआ था 1998 में। देन यहाँ पे दिया गया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटीज़ का फुल फॉर्म है, एंड देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। क्लिक छोटे चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जो है आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक छोटे चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे ऑनलाइन पे आप क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यू PG कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन टाइप करके आपको साइन इन पे क्लिक करना होता है। देन अगर आप न्यू हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड कुछ प्रोसेस देंगे, आपको उसको फॉलो करना होता है। देन यहाँ पे आप आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होता है। देन आप जो है यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होता है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन यहाँ पे आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होता है, जिसमें आपको अपना प्रीमाइसिस नंबर डालना होता है, सब लोकेलिटी बताएंगे, लोकेलिटी बतानी होती है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होता है 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंडर में। देन आपको कंफर्म करना होता है पासवर्ड, देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, एंड देन आपका आप उसका आंसर देंगे। देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दी गई है, देन सबमिट पे क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।